ग्रामीण विकास मंत्री अनिल शर्मा के कांग्रेस पार्टी छोड़ भाजपा में शामिल होने पर लोग अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। ये बात पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष पुष्पराज शर्मा ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि अनिल शर्मा जो भी हैं वे कांग्रेस पार्टी की देन हैं और अब वे कांग्रेस को छोड़ भाजपा का दामन थाम रहे हैं। पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष पुष्पराज शर्मा ने कहा कि पंडित सुखराम ने 50 साल का राजनीतिक जीवन कांग्रेस में रहकर गुजारा है और प्रदेश एवं देश में जो ऊंचाइयां हासिल की हैं वे सब कांग्रेस पार्टी की वजह से हैं। उसी प्रकार अनिल शर्मा 5 साल तक कांग्रेस का सत्ता सुख भोगते रहे, जबकि आचार संहिता लगी तो कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हो गए। उन्होंने कहा कि पंडित सुखराम और उनका परिवार अपने राजनीतिक नाफा नुकसान देखकर ही सब करता है। उन्होंने कहा कि मंडी सदर में विकास को लेकर अनिल शर्मा मुख्यमंत्री पर उंगली नहीं उठा सकते। मुख्यमंत्री ने क्षेत्र के विकास के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। इस मुद्दे पर अनिल शर्मा उनसे किसी भी मंच पर बहस कर सकते हैं। पुष्पराज ने कहा कि पंडित सुखराम ने हिविंका का गठन किया था जिसकी वजह से कांग्रेस को नुकसान हुआ था। पंडित सुखराम की वजह से भाजपा को सत्ता में आने का मौका मिला था। उन्होंने कहा कि वीरभद्र सिंह के आदेश के अनुसार ही वे सदर में अनिल शर्मा रहे थे। कल तक भाजपा अनिल शर्मा पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही थी, आज वे भाजपा में शामिल हो गए तो वे गंगा नहा कर आए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा के मंडल अध्यक्ष ने तो कहा था कि अनिल भाजपा में शामिल होंगे तो वे गंगा नहाने जाएंगे। उन्होंने कहा कि अनिल शर्मा के कांग्रेस छोड़ने से आम कार्यकर्ता परेशान है, अब आने वाले समय में उनसे आमने सामने की बात होगी। लोग आए कहीं चले गए, कांग्रेस पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस पार्टी अपनी निष्ठा ईमानदारी और कर्तव्य के साथ पूरी जनता की सेवा में लगी रहती है। कोई आए कोई जाए, इससे कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं को कोई फर्क नहीं है। कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है तो कांग्रेस का सिपाही है और कांग्रेस के पास सदा रहा है और सदा रहेगा। ये जो अपने स्वार्थ के लिए, अपने परिवार की राजनीति चमकाने के लिए अपने स्वार्थ के साथ पार्टियां बदलते हैं, लोग अब इनको जानेंगे और लोग इनको मिलकर जवाब इलेक्शन में आने वाले दिनों में देंगे। मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि 1962 से लेकर आज तक ये परिवार कांग्रेस पार्टी में सत्ता का सुख भोगता रहा और ये जहां इनको सत्ता का सुख भोगने का मौका मिलता है वहां ये पलटी मार लेते हैं। अगर इनका अपमान हो रहा था, जब इनका अपमान हो रहा था तब इनको पार्टी छोड़नी चाहिए थी और जनता के बीच में आना चाहिए कि मेरा अपमान हो रहा है। सत्ता सुख भोगने के बाद जब आचार संहिता लगती है तब इनको लगता है कि मेरा और मेरे बाप का या मेरे बेटे का अपमान हो रहा है, इसलिए मैं पार्टी छोड़ रहा हूं। और ये विकास के नाम पर या कोई इनका काम नहीं हो रहा है उसके नाम पर या इनके साथ किसी अपने काम में कोई भेदभाव हो रहा है उस पर ये बात करते, केवल अपने परिवार का मान सम्मान ना होने के कारण ये पार्टी छोड़ रहे हैं, ये बात किसी गले से नहीं उतर रही है। और मैं तो इनको चुनौती देता हूं कि ये बताए कि किस प्रकार का अपमान इनके परिवार का कांग्रेस पार्टी ने किया है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा इस परिवार को आंखों पर बिठाया है और इनको सत्तासीन करने के बावजूद भी राजा वीरभद्र का पूरा बरहस्त सदर चुनाव क्षेत्र के और मंडी जिला के कार्यों में रहा है, जहां राजा वीरभद्र ने खुले मन से कोई बिना भेदभाव से काम किया है। ये फिट आया राम गया राम तो फिट हो रहा है। मुख्यमंत्री ने जो कहा वो किस बात को देखकर कहा कि पंडित सुखराम ने जब हिपका पार्टी बनाई तो बीजेपी का यहाँ कोई हिमाचल प्रदेश में नामो निशान नहीं होता था, कोई नाम लेने वाला नहीं होता था। कि आज बीजेपी यहाँ पनपी है, ये पंडित सुखराम के कारण ही यहाँ पनपी है और इनके गठबंधन करा के ये सरकार चलाई बीजेपी की और आज ये फिर बीजेपी मिल गए, तो इनको बीजेपी पार्टी मुबारक हो। कांग्रेस पार्टी अपनी तरह की राजनीति करेगी और अपने पैरों पर खड़े होकर दोबारा इनके साथ संघर्ष जारी रखेगी।